हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलांजलि आर्ट। आज मैं आप सबको इजिप्शियन आर्ट सिखाने जा रही हूँ। इजिप्शियन वॉलपीस बनाने के लिए हमें ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। उनमें सबसे पहले एमडीएफ बोर्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड्स, डेल्टा प्लास्ट पाउडर, एडेसिव, फेविकोल या कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, ब्लैक एक्रेलिक कलर, आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर, वॉर्निश। एक बाउल में डेंटा प्लास्ट पाउडर, एडेसिव डालकर उसका स्मूथ पेस्ट बना। अभी हमारा स्मूथ पेस्ट बन गया है। इस पेस्ट को हम इस बोर्ड पे ये ध्यान रहे कि पूरा इक्वली स्प्रेड होना चाहिए। ये बोर्ड पे पूरा हमने डेंटा प्लास पाउडर लगा दिया है। इसके बाद ये मोल्ड लेकर इसके सेंटर में प्लेस करेंगे। थोड़ा सा दबाकर इसे अच्छे से डेंटा प्लास पाउडर मोल्ड में पेस्ट हो जाए। इसके बाद टेक्सचर टूल लेकर इसमें टेक्सचर डालें। सारे बोर्ड में इसी टाइप से टेक्सचर डालने के बाद दूसरा टूल लेकर इससे इस टाइप से लाइंस डालें। टेक्सचर सूखने के बाद ब्लैक एक्रेलिक कलर लेंगे, पूरे वॉल पीस पर ब्लैक कलर करेंगे। ब्लैक एक्रेलिक कलर जब सूख जाएगा उसके बाद हम इसमें कलर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बर्न साइना कलर लेकर बर्न साइना कलर का एक कोट करने के बाद तो हम कैडमियम ऑरेंज कलर लेंगे। बर्न साइना के बाद कैडमियम ऑरेंज कलर लगाने के बाद में ये इस तरह से दिखने लगेगा। ये चीज़ का ध्यान रहे कि आप बर्न साइना जो जितना साइज में कलर ले रहे हैं उससे थोड़ा सा छोटा स्ट्रोक हमें कैडमियम ऑरेंज कलर का लेना है। अब ये सूख चुका है, सूखने के बाद में हम कैडमियम येलो कलर यूज करें। कैडमियम ऑरेंज कलर के स्ट्रोक से और इसमें मोल्ड लेना है। बेस के टेक्सचर पर तीनों कलर कर दी हैं। इसके बाद मोल्ड पे कलर करेंगे। इसके लिए हम कॉपर कलर लेना है। इसका बहुत हल्के हल्के स्ट्रोक्स लेने हैं।
कि मोल्ड पे हमने कॉपर कलर कर दिया है, इसके बाद गोल्डन कलर लेंगे, ब्रश में थोड़ा सा लगा मोल्ड में जो फिगर है सिर्फ उसको हाईलाइट करेंगे। अभी हमारा वॉल पीस बन के तैयार हो गया है, बस आखिरी में इस पे वॉर्निश कर देंगे। वॉर्निश लगाने के बाद अब ये सूख गई है और ये हमारा वॉल पीस रेडी हो गया है। इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप के वॉल पीस डिफरेंट टाइप के टेक्सचर और कलर के साथ में बना सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वॉल पीस पसंद आया होगा। थैंक यू।